सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, आप साइड में देख सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर 210,000 फॉलोअर कंप्लीट हो चुके हैं, 21 मिलियन की रीच है और लाखों में हजारों में मिलियंस में व्यूज आते हैं मेरे रील्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूं, अगर आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते, अगर आपके फॉलोअर्स 200 300 500 है, तो भाई इस वीडियो को ट्राई करो, इस ट्रिक को ट्राई करो, आपके 100% फॉलोअर्स को बढ़ने वाले हैं और आप भी बोलोगे कि हाँ भाई, ये ट्रिक का मैं इंतजार था। तो कैसे बढ़ाने हैं आपके फॉलोअर्स, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पे टैब करना है। सर्च बार पे टैब करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है CONOGO कोंगो टैग, ठीक है, फ्री फॉलो, और सर्च कर देना है। सर्च करते देख सकते हो आप लोग, पहली वेबसाइट आ चुकी है। इस पहली वेबसाइट पे ही आपको क्लिक करना है और किसी वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। तो हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने निकल करके आ जाएगा। अब इस पेज को आपको 3 से 4 बार रिलोड करना है, ठीक है। हम कर लेते हैं रिलोड। रिलोड करने से बेनिफिट ये होता है कि वेबसाइट सही से काम करती है, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसे 3 से 4 बार रिलोड कर लीजिए, ठीक है। 3 से 4 बार हमने रिलोड कर लिया। अब आपको सर्च वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। सर्च वाले आइकन पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पे लिखना है INFORMATIKAMU, ठीक है। स्पेलिंग देख लो सही से, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना वरना ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। एक एक स्पेलिंग आप सही से देख लो, मैं बता देता हूं दोबारा से आपको, INFORMATIKAMU ये लिखना है आपको, ठीक है, सर्च बार पे। अब हम इसे सर्च कर देते हैं। दोस्तों, जैसे हम सर्च करते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट हमारे सामने निकल करके आ जाती है, देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा उसी पे आपको टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेन फ्री इंस्टाग्राम फॉलोअर्स विदाउट वेरिफिकेशन 2024, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर देते हैं इस पे, और किसी चीज पे आपको क्लिक नहीं करना है। ऐसे डिस्प्ले एड आपके सामने आएगा, उसको आपको कट कर देना है। डिस्प्ले एड कट करने के बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिंक का ऑप्शन, ठीक है, आप देख सकते हो लिंक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। लिंक वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप सेकंड दिखने चालू हो चुके हैं, यहाँ पर सेकंड चल रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड जैसे ही कंप्लीट होंगे फिर हमारा काम वहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये सेकंड चल रहे, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, जब तक ये सेकंड चल रहे, आप कमेंट बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम की आईडी भी मेंशन कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं जाकर के देखूंगा लोगों के फॉलोअर्स कितने कितने, आप लोगों के फॉलोअर्स कितने कितने। तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी का यूजर नेम भी जरूर डाल देना कमेंट में, ठीक है। और कुछ ही टाइम रह गया, 13 सेकंड 12 सेकंड, अभी 1 सेकंड में कुछ ना कुछ ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। 9 सेकंड 8 सेकंड 7 सेकंड ये कंप्लीट होने ही वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग, ठीक है। जब तक तो यहाँ पे हमारा जो टाइमर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो वेरिफिकेशन आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इस वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। इस वेरिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो आप लोग कुछ ऐसी वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है। यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस लिंक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ से फिर से टाइमर चलना चालू हो चुका है, ठीक है। घबराना मत दोस्तों, ऐसा 2 बार आपके साथ हो सकता है, ठीक है। तो जब तक ये टाइमर चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अभी आपके कितने फॉलोअर्स है, क्योंकि इस ट्रिक को यूज करने के बाद आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करते जाओ। जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। और ये जरूर लिखना है कि आपके फॉलोअर्स कितने हो, जो मैंने पहले बता दिया आपको कि कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आप लोग अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल देना। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नहीं, मतलब यूजर नेम जरूर डाल देना आप लोग कमेंट में। तो जब तक वो टाइमर कंप्लीट हो रहा है, हम देख लेते हैं उसे। तो यहाँ पे पूरा टाइमर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको फिर से वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप लोग वेबसाइट पर पहुंच चुके हो। यहाँ से अब आपको ट्रांसलेट कर लेना है, क्योंकि वो अलग स्पेलिंग अलग भाषा में था, तो ये इंग्लिश भाषा में हमने इसे ट्रांसलेट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट फ्री फॉलोअर्स। दोस्तों, अब यहाँ से आपको गेट फ्री फॉलोअर्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। गेट फ्री फॉलोअर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे,
तो एक और आपको दिखेगा डिस्प्ले एड, तो आपको इसको कट कर देना है। डिस्प्ले एड को कट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। स्क्रॉल डाउन करके जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम यूजर नेम, तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूजर नेम ऐड करना है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यूजर नेम डाल लेते हैं। तो यूजर नेम डाल लेते हैं, तो यूजर नेम हमने डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, चेक यूजर नेम पे क्लिक करना है। चेक यूजर नेम पे हम क्लिक करके एक बार फिर से यहाँ पे यूजर नेम डाल लेते हैं और यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, तो लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी थोड़ा सर्च ले रहा है। ओ सॉरी यार, मैं अपना ना पासवर्ड भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, एक फेक आईडी बनाना और उस फेक आईडी को यहाँ पे लॉगिन करना और उसका पासवर्ड भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैं तो भूल गया हूँ अपनी आईडी का पासवर्ड, पर आप लोग ये गलती मत करना, आप लोग को पासवर्ड इसका याद रखना है अपनी आईडी का, जो भी पुरानी आपकी आईडी हो, जो भी आप नई बनाओ, ठीक है, फेक आईडी, उसका आपका पासवर्ड याद रखना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर आपको लॉग इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉग इन पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा आपको चेक का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस चेक वाले ऑप्शन पे आपको दोबारा क्लिक कर देना है, फिर आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स पहुंचने चालू हो जाएंगे दोस्तों। बस इतना सा प्रोसेस है, मैंने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, अब आप आगे काम अपना कर सकते हो इजीली। ठीक है, बस आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों देखा, इतना इजी तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर ऐसे तो फॉलोअर्स को बढ़ा लोगे पर आपको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, सेटिस्फेक्शन कब मिलती है, जब अपनी मेहनत से, आप अपनी लगन से फॉलोअर्स को इंक्रीज करते हो। अगर आप अपनी लगन से एक एक करके फॉलोअर्स भी इंक्रीज करते हो और अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं एक टाइम बाद, चाहे वो एक महीने बाद हो, चाहे दो महीने बाद हो, चाहे पांच महीने बाद हो, तो भाई उसका अलग ही लेवल होता है। ऐसा लगता है कि हाँ भाई जिंदगी में कुछ करा है, रियल फैन बेस बनाया है। और अगर आप इस तरीके से फॉलोअर्स को बढ़ाते हो फेक तरीके से, 10,000 फॉलोअर्स भी कर लोगे, 20,000 फॉलोअर्स भी कर लोगे, उसके बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, आपको मजा नहीं आएगा। बोलेगा यार ऐसा लग रहा है यार 10,000 अभी फॉलोअर बढ़ाए, कल 10,000 फॉलोअर और बढ़ा लूंगा मैं, या फिर फॉलोअर्स खरीद लूंगा। ठीक है, क्योंकि फॉलोअर्स अब बिकते भी है ना, लाइक्स बिकते हैं, व्यूज बिकते हैं, आप ऐसे करके अपने बढ़ा सकते हो, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी, जब आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे, आप अपनी लगन से, मेहनत से फिर आगे बढ़ोगे ना, तभी जाकर के आपको मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगी और लगेगा कि हाँ भाई कुछ करा है। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे बोलेंगे, भाई हम मेहनत तो करते हैं, ठीक है, रील्स भी हम लोग अच्छे से बनाते हैं, उसकी एडिटिंग भी हम अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, और कैमरा भी हमने आईफोन ले रखा है, मतलब बढ़िया बढ़िया कैमरा ले रखे हैं, आईफोन ले रखा है, अच्छा कंटेंट बनाते हैं और वीडियो भी हम सही से शूट करते हैं, उसके बाद भी हमारी रील्स वायरल होती है, हमारी रील्स पर व्यूज नहीं आते। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको रील्स अपलोड करने का तरीका नहीं मालूम है। ठीक है, और जब तक रील्स अपलोड करने का तरीका आपको नहीं मालूम होगा, तब आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, आपकी रील्स वायरल नहीं होगी। कैसे करोगे आप रील्स सही से अपलोड, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे रखी है। इस वीडियो के बाद आप लोग वो वीडियो भी जाकर के देख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपको इंस्टाग्राम पर रील्स कैसे अपलोड करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।